तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाकर दिखाने वाला हूं एक 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर, जिसको सीधा ही हम 220 वोल्ट एसी दे, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ इनपुट 220 वोल्ट एसी और आउटपुट 15 वोल्ट डीसी। तो अब आप सोच रहे होगे यार कि यार 15 वोल्ट डीसी क्यों है। अब देखो 15 वोल्ट डीसी क्यों है, यहाँ पर जो हमारी 12 वोल्ट बैटरीज होती हैं वो 15 वोल्ट पर ही चार्ज होती हैं। अगर आपको अपनी अपनी 12 वोल्ट बैटरी को अगर आपको चार्ज करना है तो आपको उसे 15 वोल्ट ही देना होगा, तभी आपकी बैटरी चार्ज हो पाएगी। तो मैंने इसको 220 वोल्ट एसी, जैसे आपने देखा यहाँ पर एक रेड कलर की एलईडी ऑन हो गई। अब मैं देखो आपको इसे बैटरी चार्ज करके दिखा रहा हूँ, तो मैं इसको चार्जिंग के लिए मैं यहाँ पर क्लिप्स की मदद से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पर क्या फ़ायदा है, मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया लेकिन वो जो एलईडी है वो ऑन नहीं होगी, जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा तब वो एलईडी ऑन होगी। तो इसका क्या फ़ायदा है दोस्तों, मैंने अंदर जो सर्किट इसका बनाया है, जैसा आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक मतलब कोई पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा, आप उस डायग्राम को अगर आप फॉलो करोगे देन आप भी इस चीज़ को, जो आज का प्रोजेक्ट है हमारा, जो आज मैंने आपको चीज़ बनाकर दिखाई, आप भी इस चीज़ को खुद घर पर बना पाओगे अगर आप उस डायग्राम को अच्छे से फॉलो करोगे। तो उसका क्या फ़ायदा है, जो एलईडी की मतलब बैटरी जो है, बैटरी की पावर एलईडी में नहीं जाएगी। अगर आप उसे सीधा ही डायरेक्ट जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्विच है अगर आप उसे ही ऑफ कर दोगे देन आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होना बंद हो जाएगी। जो हमारी एलईडीज हैं, एलईडी को बैटरी की पावर नहीं जाएगी। तो इसका ये फ़ायदा है, मेरे सर्किट का आपको ये फ़ायदा है। और जो एलईडी है चार्जिंग वाली वो भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो गाइज़ प्लीज़ यार इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप किए बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को, वीडियो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है 12 वोल्ट बैटरी चार्जर, उसके लिए यार सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो है ये ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो 12 वोल्ट बैटरी चार्जर बनाने वाले हैं, हम इस ट्रांसफार्मर का यूज़ करने वाले हैं। पहले मैं दोस्तों आप लोगों को इस ट्रांसफार्मर के बारे में बता देता हूँ, फिर जो बाकी का सर्किट जो हम यूज़ करेंगे, जो सर्किट की जो भी वायरिंग है उसके बारे में आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो पहले इस ट्रांसफार्मर के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास बिल्कुल नया ट्रांसफार्मर है, बॉक्स पैक्ड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 एम 1212। और दोस्तों ये 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, मतलब 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो 12 वोल्ट बैटरी है वो थोड़ा फास्ट चार्ज हो, यानी कि ज़्यादा देर ना लगे आपकी बैटरी को चार्ज होने में, देन जो है आप 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का या फिर 5 एम्पियर तक का ट्रांसफार्मर भी यूज़ में ले सकते हो। 1 एम्पियर का वैसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। 1212 यानी कि 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। स्टेप डाउन मतलब कि ये क्या करेगा, हमारी जो हमारे घरों में आने वाली जो 220 वोल्ट एसी सप्लाई होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में से आती है, ये उस इलेक्ट्रिसिटी को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कहाँ का इस ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। ये देखो आप देख सकते हो इसके ऊपर कोई भी प्राइस कुछ भी नहीं लिखा हुआ और कुछ इस तरीके का बॉक्स है। चलिए इसको बॉक्स ओपन करके देखते हैं कि कैसा है इसके अंदर का ट्रांसफार्मर। तो मैं इसको ओपन करने लगा हूँ, तो ये रहा इसके अंदर। तो ये देखिए, देखते हैं कैसा है ये बॉक्स के अंदर का ट्रांसफार्मर। और ये बॉक्स खाली, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये रहा हमारा मेन ट्रांसफार्मर। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का होता है एक 1212 का ट्रांसफार्मर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1212, इसका मतलब ये है कि जो ये वाला वायर है, देखो ब्लैक वाले, यहाँ आपको दो वायर्स दिख रहे होंगे, एक ये ब्लैक वायर, एक ये रेड वायर और एक ये वाला ब्लैक वायर। ये जो ये वाला ब्लैक वायर है ये 12 है, ये 0 है और ये 12 है, मतलब 1212, ठीक है। इधर की तरफ हम देते हैं, ये वाली होती है प्राइमरी वाइंडिंग और ये वाली होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट लेते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग में हम इनपुट देते हैं। और यहाँ पर आपको दो वायर्स दिख रही होंगी जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सीधा ही कनेक्ट करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ट्रांसफार्मर है, ये जुलाई 2019 की मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0719। और ये जो आप देख रहे हो ये कुछ मतलब इसको क्या है, अगर हमें कहीं पर इसको मतलब क्लैंप करना हो, यानी कि कहीं पर हमें इसको फिक्स करना हो, तो यहाँ पर हम नट बोल्ट या फिर किसी स्क्रू की मदद से हम इसे फिक्स कर सकते हैं। देखो कुछ इस तरीके का मतलब होता है ये। अगर मैं उससे खोल कर दिखाना चाहूँ तो ये देखो यहाँ पर लगे हुए हैं, ये चार हुक लगे हुए हैं, इनको मैं खोल कर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के काम में आएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट्स को हमने यूज़ में लिया है। तो सबसे पहले इसको मैं इस तरीके से रख देता हूँ, मेन इस तरीके से आएगा ये हमारा। तो ये देखो यहाँ पर हमने यूज़ किया है एक ब्रिज रेक्टिफायर। अब दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर क्या काम करेगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो
एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट करेगा, वो एसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। बेसिकली करता क्या है ट्रांसफार्मर, ये 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन हमें एसी नहीं चाहिए, हमें डीसी चाहिए। तो हम डीसी को कैसे कन्वर्ट करेंगे, एसी से डीसी को कन्वर्ट करने के लिए हम इस ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करेंगे। और ये ब्रिज रेक्टिफायर मैंने बनाया है IN4007 के चार डायोड से मैंने इसको बनाया। उसके बाद ये होगा कैपेसिटर, ये है 3300 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का कैपेसिटर, एक कैपेसिटर हमारा यहाँ लगा हुआ है, ये है 1 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट का, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा यहाँ पर, ये देखो ये रहा कैपेसिटर एक, और ये है 10 माइक्रोफेरेड और 63 वोल्ट का, ठीक है। और कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर लगा हुआ है एक LED, उसके साथ में लगाया हुआ है एक रेजिस्टर, एक यहाँ पर IC लगी है LM317 की IC लगी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हो। और इसके अंदर लगा हुआ है एक 5K का पोटेंशियोमीटर, एक LED और यहाँ पर एक और लगी है, इसके साथ भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है हमारे पास, इसका नंबर है IN5822, एक स्विच लगा हुआ है हमारा यहाँ पर। बस इतने कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पर यूज़ किया। और गाइज अगर आपको इसकी टोटल कॉस्ट जाननी है कि सब इन कंपोनेंट्स की प्राइस कितनी है, कितने क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स को मैंने यूज़ किया, क्या क्या जो भी इसके लिए हमें चाहिए होगा, उसकी लिस्ट आपको अभी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही होगी। तो प्लीज़ यार अब वीडियो को पॉज करके उस लिस्ट को एक बार अच्छे से देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके सेटअप की। तो ये देखो इसको हम क्या करेंगे, हमारा ये जो वायरिंग है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ पहले ट्रांसफार्मर की वायरिंग। देखो ये ट्रांसफार्मर है हमारा, और ये है हमारी 220 वोल्ट एसी सप्लाई। मैं इसको क्या करता हूँ स्विच ऑन कर देता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना होगा, ये जो दो वायर्स है ना, ये देखो ये दो वायर्स आपको दिख रही हैं, अब इन दो वायर्स को क्या करेंगे हम, मेरे पास में यहाँ पर एक वायर है कुछ इस तरीके का, ये देखिए मेरे पास में कुछ इस तरीके का वायर है। तो मैं क्या करूँगा, इस वायर को पहले एसी में लगा दूँगा, पहले मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ इसको, मैं एक बार थोड़ा साइड पर रख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इसको मैं लगा देता हूँ एसी में, पहले मैं क्या करता हूँ ट्रांसफार्मर, एक मिनट, मैं क्या करूँगा क्लिप्स का यूज़ करूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके की एलिगेटर क्लिप्स का मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम जो है ये इस वाले क्लिप को यहाँ लगाएंगे और इस वाले क्लिप को यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरीके से। और गाइस आपको एक खास ध्यान रखना है कि ये जो दो वायर्स हैं ये आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए, वरना इलेक्ट्रिक शॉक हो सकते हैं या फिर आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना हो। तो इसको मैं एक बार साइड में रख देता हूँ। अब क्या करेंगे, जो हमारी ये वाला वायर है ना, इस वायर्स के साथ भी हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये लगाया यहाँ पर और ये वाला क्लिप लगाया यहाँ पर, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और हमारा जो है ट्रांसफार्मर लग चुका है। अब इसको बस बारी है 220 वोल्ट एसी इलेक्ट्रिसिटी देने की। ये देखिए हमारा, मैंने वायरिंग अच्छे से कर दी है, देखो अब मैं इसको एसी सप्लाई दे देता हूँ। और राइट, और अब करते हैं स्विच को ऑन। तो हमारा ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई आ रही है। अब हमें इसकी कोई भी वायर को छूना गलती से भी नहीं है, अगर आपने इसको छू दिया तो गाइज आपको शॉक लग सकता है। तो दोस्तों अब करते हैं हमारा जो सर्किट है, ये जो सर्किट है ना हमारा, अब इस सर्किट को हम ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीका से, देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये वाला लगेगा यहाँ वायर यहाँ पर, जो साइड वाले दो वायर है ना ब्लैक वाले, हमें सिर्फ उन्हीं के साथ में वायरिंग करनी होगी। जो बीच वाला रेड वाला वायर है हमें इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। ब्लैक वाले वायर को लगा देते हैं एक बार इसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और कोई भी वायर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ एक ही बात, ठीक है। ये हमारा हो गया, यहाँ तक का सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारी वायरिंग भी पूरी हो गई है। अब जो ये जो वायर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दो वायर्स आपको दिख रहे हैं, ये है हमारे आउटपुट के वायर्स, ये वाले दो वायर्स हैं आउटपुट के वायर जो कि हमें देंगे 8 से लेकर 16 वोल्ट तक वेरिएबल पावर सप्लाई। यानी कि ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ये क्या करेगा, हमें क्या करेगा, हम जितनी वोल्टेज चाहे हम इससे ले सकते हैं, 8 से लेकर 16 वोल्ट तक हम इसे ले सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें 12 वोल्ट बैटरी चार्जर बनाना है। अब 12 वोल्ट बैटरी चार्जर के लिए क्या होता है, 15 वोल्ट ही बेस्ट रहती है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पोटेंशियोमीटर को 15 वोल्ट डीसी पर सेट कर दूंगा और 15 वोल्ट इसको ही ऐसे की एज इट इज़ मैं इसको बॉक्स के अंदर पैक कर दूंगा, जिससे कि क्या होगा, हमें इसको बार बार हमें इसको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, ये जो LEDs आप यहाँ पर देख रहे हो, दोनों LEDs ऑन हो जाएंगी जब मैं इसको ऑन करूँगा। देखो यहाँ पर आपको मेरा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको मेरा दिख रहा होगा फिंगर, मैं आपको इसको स्विच को ऑन करने लगाऊँ और
ये देखो ये एलईडी ऑन हो गई। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, यहाँ पर ये वाली एलईडी ऑन नहीं हुई क्योंकि ये स्विच अभी ऑफ है। मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ तो एलईडी ऑन हो जाती है। ये देखो अब मैं स्विच ऑफ करता हूँ तो एलईडी ऑफ। ये एलईडी मुझे पता नहीं क्यों, ये थोड़ी डिम है शायद, हो सकता है यहाँ पर कैपेसिटर की वजह से या फिर कोई रजिस्टर वगैरह का प्रॉब्लम। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर के ऊपर। देखो यार मैंने आपको आपको बताया इस पोटेंशियोमीटर के बारे में, जिसको कि जैसे जैसे हम इसको रोटेट करते हैं जो इसकी वोल्टेज है वो हम उसको जो है इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको वही चीज़ आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसकी जो दोनों आउटपुट की वायर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उसको मैंने अपने मल्टीमीटर के साथ में लगा दिया और आप वोल्टेज देख सकते हो अराउंड 14.55 वोल्ट्स अभी आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखना होगा क्या जब मैं जो ये पोटेंशियोमीटर है जो इसको मैं जैसे रोटेट करूंगा आप देखना क्या इसमें चेंज आता है। देखो वोल्टेज में क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा आप देखना। तो ये देखो अब वोल्टेज देखो, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वोल्टेज को थोड़ा डिक्रीज करके। ये देखो अब वोल्टेज जो आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ इसकी जो वोल्टेज है वो कम हो रही है और इसकी वोल्टेज जो है वो 8.42 से कम नहीं जाती। और ज़्यादा अगर मैं इसको पूरी तरह से घुमा दूँ तो इसकी वोल्टेज मैक्सिमम 14.88 तक ही रहती है। मतलब 8.42 से लेकर 14.88 तक हमारी जो वोल्टेज ये सप्लाई दे देती है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो इतनी वोल्टेज दे देता है। तो मैंने आपको दिखा दिया, तो मैंने इसको एक बार के लिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये देखो इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है। और हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है मतलब पावर सप्लाई, देखो ये क्या आप इसको एज अ पावर सप्लाई भी यूज़ करते हो। अगर आपको कम वोल्टेज चाहिए हो, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए हो, जैसे आप कभी कभी आपको कोई काम होता है 12 वोल्ट का, कभी आपको 9 वोल्ट ही चाहिए होती है। जैसे हम 12 वोल्ट के वो अडाप्टर्स यूज़ करते हैं, 12 वोल्ट के वो पावर अडाप्टर्स हम यूज़ करते हैं जो कि सीधा ही हम एसी से जो कि सीधा ही एसी से चलते हैं। तो मतलब आप इस चीज़ को जो हम आज आपको मैं जो चीज़ प्रोजेक्ट बनाकर दिखा रहा हूँ आप इसको एज अ अडाप्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप जितनी चाहो उतनी वोल्टेज ले सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का मैंने एक बॉक्स टाइप, इसके जो बॉडी है बेसिकली जो हमारा जो मैंने अभी आपको सर्किट दिखाया था ना, जैसे ट्रांसफार्मर था, जो भी इसमें स्विच लगा हुआ था, एलईडीज थी, वो जो सर्किट था उसके जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे, जो भी वायरिंग थी, वो सब मैंने इस बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके से फिट कर दी हुई है। आप देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से मैंने एक बॉक्स बना लिया बेसिकली, क्योंकि यार इतनी सारी जो वायरिंग थी मैंने आपको जैसे भी अभी अभी आपको मैंने दिखाया, वो मैं उसको इस तरीके से ओपन नहीं छोड़ सकता था। अगर आप उसको यूज ऐसे भी आप भी मत करना बिकॉज आपको करंट लग सकता है। और आप मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो देखो और आपको कुछ भी ऐसा नुकसान हो या फिर आपको कोई करंट लग जाए। तो प्लीज़ यार सेफ्टी के लिए आप कोई बॉक्स ज़रूर बना लीजिएगा। मैंने बहुत ही सिंपल से कार्डबोर्ड का ही यूज़ किया है, कार्डबोर्ड की मदद से मैंने बॉक्स बनाया। आप चाहो तो किसी भी और मटेरियल का यूज़ कर सकते हो। तो आप जैसा कि आप फिर देख सकते हो कितनी ज़्यादा मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू यूज़ किया, जहाँ पर आपको दिख रहा है ना वाइट वाइट। ये देखो यहाँ पर आपको वाइट दिख रहा होगा कलर, यहाँ पर भी वाइट वाइट वाइट, जितनी भी जगह आपको वाइट कलर दिख रहा है वो सब हॉट ग्लू से मैंने इसको अच्छे से सील कर दिया हुआ। आप देख सकते हो, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता कि देखो यार इतनी सारी वायरिंग है, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, जो भी सर्किट है इसका, कहीं पर भी गलती से भी कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। और मैं नहीं चाहता कि इससे शॉर्ट सर्किट हो और कोई इसके अंदर कोई आग वगैरह लग जाए। तो इसलिए मैंने इसकी जो जितनी भी वायरिंग थी सबको मैंने एक साथ, देखो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इतनी सारी वायरिंग मैंने एक साथ टेप कर दी और सभी वायर्स को मैंने अपनी अपनी जगह पर लगा दिया। सबको मैंने हॉट ग्लू की मदद से अच्छे से सील कर दिया। आपको आगे की तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का हमारा लग रहा है। देखो ये हमारा स्विच है जो कि तब ऑन, इसको जब हम स्विच को ऑन करेंगे ना, इस स्विच को ऑन करते ही हमारी बैटरी चार्ज होगी। अगर हम इस स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप मेरा जो सर्किट है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा, अगर आप उस सर्किट को फॉलो करोगे देन आपको जो मैं भी आपको बता रहा हूँ उन बातों का आपको फॉलो करना होगा। अगर आप इस स्विच को ऑन करोगे, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो ये वाली एलईडी लाइट ऑन हो जाएगी, ये वाली लाइट हमेशा ऑन रहेगी जब आप इसको एसी सप्लाई दोगे। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब जब आप अब और जो ये वाली लाइट है ये तब स्विच ऑफ हो जाएगी, यानी कि ये लाइट अगर आप इस स्विच को ऑन भी रखोगे तो ये जो लाइट है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी जब आपकी जो बैटरी है वो फुली चार्ज हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दो स्क्रूज लगा दिए हैं यहाँ आउटपुट के लिए। आप चाहो तो दोस्तों वायर्स लगा सकते हो, लेकिन मुझे वायर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है एलिगेटर क्लिप्स है, मैं सिंपली यूज़ करने के लिए हमारी जो प्रोजेक्ट है हमारा जो आज मैंने बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए, ये जो 12 वोल्ट बैटरी चार्जर है मैं इसको सिंपली यहाँ पर क्लिप लगाकर अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर वायर लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप लोगों को चाहते हो तो आप वायर्स लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ स्क्रूज ही लगा दिए, ये वाला पॉजिटिव के लिए और ये वाला नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों इसको मैंने
सिक्स साइड्स होती हैं, जैसे देखो वन, देखो पहली साइड ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ऊपर की तरफ भी मैं कवर अब इसको कवर करने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पता ही है मैं क्या करता हूँ, इसकी ब्लैक टेप की मदद से फिनिशिंग कर देंगे सभी एजेस पर, सभी जगह पर मैं इसको ब्लैक टेप की मदद से फिनिशिंग कर दूंगा। जहाँ पर कुछ भी अगर लाइट राइटिंग का काम हुआ, जैसे ऑन ऑफ लिखना, जैसे वो भी एलईडी लाइट्स के लिए, जैसे मेन्स चार्जिंग आउटपुट के लिए 15 वोल्ट डीसी, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले हम इसको पैक करने लगे हैं, ठीक है। अभी आपको याद होगा मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो पोटेंशियोमीटर है, देखो ये पोटेंशियोमीटर है ना, देखो मैंने इसको इस तरीके से रखा हुआ है यहाँ पर, इसको हमें सेट करके रखना होगा 15 वोल्ट पर, ठीक है। 15 वोल्ट पर हमें सेट करना होगा जिससे कि हमारी जो 12 वोल्ट की बैटरीज है वो ईजिली चार्ज हो पाए। तो चलो यार इसको मैं पहले 12 वोल्ट पर, सॉरी 15 वोल्ट पर मैं इसको सेट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे। दोस्तों अब मैं क्या है इसको जो है ना ऊपर की तरफ, ऊपर वाला जो कवर है वो मैं करने वाला हूँ। तो आपको मैं एक बार अच्छे से लुक दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा स्विच, ये रही हमारी 2 LEDs और ये रहे आउटपुट के पोर्ट्स। यहाँ पर मैंने होल्ड किया दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने होल्ड किया, और यहाँ पर जो हमारी वायर थी, ये देखो ये जो हमारी वायर थी मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया, और यहाँ पर जो सारी वायरिंग थी ट्रांसफार्मर के साथ मैंने कर दी। मैंने जैसा कि आप लोगों को भी बताया कि यहाँ पे हमें रेड वायर की जरूरत नहीं है, जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वायरिंग वाइंडिंग है, यानी कि जो उसका आउटपुट के टर्मिनल की जो रेड वायर है हमें उसकी जरूरत नहीं है। जो ब्लैक वायर थी उसकी मैंने सारे कनेक्शन कर दिए। ये लगा हुआ हमारा बड़ा वाला कैपेसिटर, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ये ब्लू, ये देखो ये जो है ना ये है हमारा बड़ा वाला कैपेसिटर, और ये रहा हमारा बड़ा वाला डायोड। इसके नीचे आप देखो यहाँ पर आपको ब्रिज रेक्टिफायर दिख रहा होगा, ये देखो एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ ब्रिज रेक्टिफायर, ये लगा हुआ हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। उसको मैंने अच्छे से हॉट ग्लू की मदद से, हर एक चीज़ को मैंने हॉट ग्लू की मदद से कवर कर दिया। ये रहा हमारा एक और कैपेसिटर देखो, और ये रहा इसके नीचे है एक और कैपेसिटर इसके नीचे लगा हुआ है। यहाँ पर हमारी IC है, उसके साथ में मैंने एक हीट सिंक लगा दी हुई है, जिससे कि अगर वो हीट होए तो इसकी जो हीट है वो इतनी ज़्यादा ना हो और हमारा बैटरी ईजिली चार्ज होता रहे। तो इसकी वायरिंग मैंने कर दी। सर्किट इसका कुछ इस तरीके का बॉक्स बनकर तैयार हो जाता है, देखिए कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है यार हमें क्या बनाना है, सॉरी 12 वोल्ट बैटरी चार्जर हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियोमीटर है इसको 12 वोल्ट बैटरी चार्ज करने के लिए हम इसको 15 वोल्ट पर सेट कर देंगे। अब सेट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, पहले स्विच को कर देते हैं ऑफ, एक मिनट मैं स्विच को ऑफ रखता हूँ। तो पहले हमें करना क्या होगा, दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर है मेरे पास में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसमें आ रहे हैं 220 वोल्ट AC इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं क्या करूँगा देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो 2-pin प्लग है मैं इसको लगा देता हूँ इसके साथ में, और ये इसके साथ ही कनेक्ट हुआ हुआ है। देखो ये ट्रांसफार्मर के साथ में मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ है। अब मैं जैसे ही इसको लगाऊंगा, ये जो आप लाइट देख रहे हो रेड कलर की, जो रेड कलर की आप लाइट देख रहे हो, जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा ये ऑन हो जाएगी। देखना ये देखो ये रेड लाइट ऑन हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब जैसे मैं स्विच, ये देखो कहीं से भी मुझे करंट नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने कार्डबोर्ड की बॉडी से, मतलब कार्डबोर्ड की मदद से इसकी जो बॉडी है मैं बना ली, मुझे कहीं से भी इसको मैंने पकड़ा हुआ है तो मुझे करंट नहीं लग रहा, ठीक है दोस्तों। अब मैं जैसे इसका स्विच ऑन करूंगा, देखो अब ये स्विच जैसे ही ऑन करूंगा ये वाली लाइट भी ऑन हो जाएगी, ये देखो ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे काम करता है। अब इसके अंदर क्या है, पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियोमीटर को 15 वोल्ट DC पर सेट करना है। आपको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको क्या करना होगा, एक मल्टीमीटर लेना होगा, मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना होगा, ठीक है। आपको मल्टीमीटर लेना है, और उसको पहले जो रेड वाला है उसको हम सेट कर देते हैं वोल्टेज पर, रेड वाले प्रोब को वोल्टेज पर, और ब्लैक वाले को उसके कॉमन यानी कि ग्राउंड पर इसको सेट कर देंगे। उसके बाद आपको चाहिए होगी कुछ एलिगेटर क्लिप्स, कुछ इस तरह की एलिगेटर क्लिप्स हमें चाहिए होगी। तो पहले नेगेटिव को नेगेटिव, अब इनमें से नेगेटिव ये देखो ये वाला है पॉजिटिव का और ये वाला है नेगेटिव का, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव है। मुझे यहाँ पर कहीं से भी करंट नहीं आ रहा, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, मुझे कहीं भी कुछ भी करंट नहीं लग रहा। ये देखो मैंने इसको पकड़ा है लेकिन मुझे करंट नहीं लग रहा, ठीक है, आप लोगों को मैं लाइव दिखा रहा हूँ। अब नेगेटिव ये वाला है और पॉजिटिव ये वाला है, नेगेटिव को नेगेटिव पर लगाते हैं। तो नेगेटिव लगाया नेगेटिव के साथ और ये वाला लगाया इसके साथ, देखो ये देखो मैंने इसके साथ लगा दिया। अब पॉजिटिव वाला जो है ये देखो ये ना पॉजिटिव वाला मल्टीमीटर का पॉजिटिव है ये वाला, और इसको भी इसके साथ में लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, ये लगा और पॉजिटिव वाला इसके यहाँ पर, ये वाला पॉजिटिव है इसके साथ यहाँ लगा दिया। अब मल्टीमीटर को आपको कहाँ सेट करना है, यहाँ पर सेट करना होगा मल्टीमीटर को आपको, यहाँ देखो एक मिनट, ये देखो 20 डीसी वोल्टेज पर आपको इसे सेट कर देना होगा, 20 डीसी पर। तो अभी इसकी वोल्टेज आ रही है 15.17। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, देखो आपके सामने मल्टीमीटर है, मीटर के ऊपर आपको सारी रीडिंग शो होगी। अब आप देखो यहाँ पर आपको एक पोटेंशियोमीटर जो मैं जिसके बारे में आपको बात कर रहा था, जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ देखो इसकी वोल्टेज कम होगी। देखो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ और इसकी वोल्टेज
कम हो रही है। ये कंट्रोल करने के लिए वो जो रोटेट करते हैं वो भी पोटेंशियोमीटर ही होता है, जिसकी वजह से जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है हमारे स्पीकर्स की या फिर होम थिएटर की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर है, जैसे हम इसको रोटेट करते हैं वैसे ही वोल्टेज इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ये देखो जैसे मैं रोटेट करता हूँ इसकी वोल्टेज इंक्रीज़ होती है। देखो अब जैसे मैं इसको पूरी तरह से क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा इसकी जो वोल्टेज है वो एकदम से कम हो जाएगी। देखो मैं इसको रोटेट करने लगा हूँ और ये किया रोटेट और इसकी वोल्टेज बिल्कुल कम हो गई। तो अब हमें इसको क्या है 15 वोल्ट डीसी पर सेट करना है, ठीक है। 15 वोल्ट पर इसको लेकर आता हूँ, जब तक यहाँ पर 15 वोल्ट एग्जैक्ट 15 नहीं आ जाता, यानी कि 15 एग्जैक्ट नहीं आ जाता तब तक मैं इसको रोटेट करता रहूँगा। पूरे 15 पर हमें इसे सेट करना है और ये 15.02 पर है, 15.02 15.02 15.01, मतलब इतना फ्लक्चुएट होता रहता है। देखो 15.02 पर है, इतना भी बहुत है, 15.01 हो गया अब। तो मतलब 15.01 वोल्टेज पर हमारा जो है ये बैटरी चार्जर है हमारा सेट हो चुका है, जो कि हमारी 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मल्टीमीटर को करना है ऑफ, इनको करना है डिसकनेक्ट और इसको कर देंगे ऑफ। तो हमने बेसिकली अब क्या किया, हमने क्या किया, अब इसके अंदर हमने सब कुछ सेट कर दिया, सब प्रोग्राम वगैरह हमने इसके अंदर मतलब सेट कर दिया कि हाँ 15 वोल्ट डीसी ही अब मिलेगा हमें आउटपुट टर्मिनल्स के। अब मैं इसके ऊपर जो है कार्डबोर्ड का शीट से इसके ऊपर कवर कर देता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से आगे बात करता हूँ और इसका लाइव टेस्ट भी आपको के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो है पूरी बॉडी अच्छे से बना ली, इसकी जितनी भी फिनिशिंग करनी थी, देखो मैंने ब्लैक टेप की मदद से इसकी जो है सभी एजेस के ऊपर मैंने ब्लैक टेपिंग की मदद से इसकी फिनिशिंग कर दी। जो भी मतलब इसके ऊपर लिखा हुआ है इनपुट कितने वोल्ट देना है, आउटपुट कितने वोल्ट देता है, शॉर्ट सर्किट नहीं करना, मतलब चार्जिंग के लिए इंडिकेशन, मेंस के लिए इंडिकेटर, मतलब जो भी इसके ऊपर लिखने के लिए मतलब जो भी मैंने लिख दिया इसके ऊपर। और आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसको जितनी भी एजेस थी इसकी उसको मैंने ब्लैक टेप की मदद से कवर कर दिया। इनपुट 220 वोल्ट एसी देना होगा हमें इसे और आप देख सकते हो किस तरीके से इसकी लुक अभी आ रही है। आप देख सकते हो इसका लुक कैसा आ रहा है आपको। अब मैं आपको दोस्तों इसको जो है टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में 220 वोल्ट एसी का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है मेरे पास है, तो मैं क्या करूँगा इसको सीधा इसके साथ में लगा दूँगा। और दोस्तों बिल्कुल सेफ है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉक नहीं लगेगा, आपको करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल सेफ है ये जो हमारा प्रोजेक्ट है बैटरी चार्जर, ये बहुत ज़्यादा सेफ है। आप भी चाहो तो इसे घर पर खुद आप बना सकते हो। तो आपको मैं एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट 7 एम्पायर की एक लेड एसिड बैटरी है, तो मैं आपको इससे जो है चार्ज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जैसी सप्लाई जो इसको जैसी 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी, वो जो आपने लाइट देखी ना अभी रेड कलर की, वो रेड लाइट ऑन हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेड लाइट ऑन हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो जो फर्स्ट वाला स्क्रू है वो है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और जो सेकेंड स्क्रू है वो है नेगेटिव के लिए। तो सबसे पहले मैं बैटरी के साथ में क्लिप्स को अटैच कर देता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। अब हमें और दोस्तों आपको एक बात का ध्यान और रखना होगा, आपको इनको उल्टा नहीं करना, मतलब अगर आपको इसे सप्लाई ऐसे इसको मतलब यूज़ करते हो कोई मोटर वगैरह रन करने के लिए यूज़ करते हो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, लेकिन हाँ अगर आप बैटरी चार्ज करते हो तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव का बिल्कुल खास ध्यान रखना होगा, वरना आपकी बैटरी ख़राब भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप मैं आपको दिखा रहा हूँ स्विच, जैसे ही ये स्विच ऑन होगा हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी और चार्जिंग वाली एलईडी जहाँ पर लिखा हुआ है ना मैंने चार्जिंग, वो वाली एलईडी ऑन हो चुकी है आप देख सकते हो। और जब हमारी बैटरी बिल्कुल फुल चार्ज्ड हो जाएगी वो जो एलईडी है येलो कलर की चार्जिंग वाली वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट था अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अब मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।